सेवक हैं, तो हम तो सेवा करते हैं, मालिक आप हैं। आपका अगर फिर मन है इसी तरह से काम तेजी से आगे बढ़े तो बिहार में जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है तमाम राजनीतिक गतिविधियां फुल स्पीड से पूरी होती दिख रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का काम भी संपन्न हो चुका है। अब नए मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले भी बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत जल्द इन बंगलों को सरकार मंत्रियों को हैंडओवर करने वाली है। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बना 20 बंगलों का ये वंच अपने मंत्रियों का इंतजार कर रहा है। बिहार में वैसे भी बंगलों को लेकर विवाद नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विवाद नहीं बल्कि शपथ ले चुके मंत्रियों को नया बंगला ही मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले महीनों तक काम पूरा कर लिया जाएगा और अब महागठबंधन सरकार में बने नए मंत्री इन्हीं बंगलों में रहेंगे। लगभग 60 करोड़ की लागत से बन रहे मंत्रियों के आवास को काफ़ी हाईटेक तरीके से तैयार किया गया है। भूकंपरोधी सोलर सिस्टम, एडवांस सीवरेज सिस्टम सहित कई खूबियां देखने को मिल जाएंगी। एक कैंपस में सभी मंत्रियों के रहने के लिए बंगले का निर्माण कराया गया है, जिसमें मंत्रियों के सुख सुविधा के लिए क्लब, कम्युनिटी हॉल, उनके सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए अलग से वेरा कैंटीन और अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। फिलहाल 20 बंगलों का निर्माण कराया गया है और सभी बंगले विभाग के नाम से अलॉट होंगे। इन बंगलों में कुल 8 कमरे हैं और अलग से सर्वेंट और सुरक्षा कर्मियों के लिए डुप्लेक्स भवन बनाया गया है। जिस विभाग के जो मंत्री हैं वो उस बंगले में रहेंगे। हालांकि देखना यह भी होगा कि मंत्री इन नए बंगलों में रहते हैं या नहीं, क्योंकि सभी को चाहत है कि पूर्व से जो मंत्रियों के लिए बड़े और आलीशान बंगले बने हैं वहीं बंगला उन्हें दिया जाए। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।